गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड दिस प्रिंस चौधरी यू आर वाचिंग द एच2 बाइकर गाइस सॉरी फॉर द लास्ट एपिसोड कि मेरे ब्लॉग ऐसे एंड करना पड़ा जैसे कि आप गाइस हम लोग रूम ढूंढते यार थक गए थे ना यार मतलब फिर यार तुम जानते हो 24 घंटे का सोए नहीं थे तो वही यार फिर नींद आ गई फिर सो गए फिर ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाए अब सीधे मॉर्निंग उठ रहे हैं मॉर्निंग उठते एक झटका मिला मेरे को जो मेरा पार्टनर था वो छोड़ चला गया मेरे को तो गाइस बातें वाते तो होती रहेंगी यार पहले आप ये देखो ये है अपना व्यू तो गाइस सिर्फ इस बालकनी के लिए हम लोग कम से कम इस एरिया में 1.5 से 2 घंटा टहल रहे थे यार कि ऐसी बालकनी ऐसा व्यू मिल जाए यार जो मतलब पूरी राइड की जितनी थकावट है ना यार यहाँ बैठ के दूर हो जाए इसके लिए हम लोग सिर्फ ढूंढते रहे कोई अच्छी अच्छी जगह मिले बट फाइनली ये जगह हम लोग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस मिल गई क्योंकि इस टाइम ऑफ सीजन चल रहा है तो काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गई है तो ये था अपना बाहर का व्यू अब आते हैं टॉपिक पे कि मेनली हुआ क्या है तो आप जिस मेरे पार्टनर को मेरे साथ देख रहे थे आप वो चला गया है बीच में ही तो कुछ काम वाम पड़ गया है काम के कि उनके फादर ने उनको बुला लिया कि इससे आगे अब जाने के लंबा मिशन नहीं है तो भाई भी जाना पड़ा अभी मैं जस्ट पहले गया हूँ उसको मैं बस से बैठा के आ गया अब यहाँ पे मेरा पूरा रूम फैला हुआ है ये पूरा रूम फैला हुआ है ये रहे यहाँ पे गुड्डू भैया देखिए अपने आप यही सब है गाइस अब यहाँ पे सामान पैक करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी सही आ गई है भाई जो अपना आया था हेमंत अपना स्लीपिंग बैग भूल गया है और अपना जो मेन बैग था ट्रैवलिंग बैग टूरिंग बैग वो बैग ले चला गया है तब मेरे को सारा अपना सामान सब कुछ मेरे को पैक करना पड़ेगा त्रिपाल के अंदर जो मैं वो देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का उसमें मेरे को पैक करना पड़ेगा सारा सामान अपना देखता हूँ यार कैसे होता है एडजस्ट कुछ करना ही पड़ेगा फिर यहाँ से आगे जब निकलूँगा तो वहाँ से मैं एक टूरिंग बैग बाय कर लूँगा ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो यार मेरे को इतना सामान लेके यार ऐसे मतलब कैसे पॉसिबल ही नहीं यार अभी तो बाइक पर सामान पर बांध लूँगा और उसके आगे फिर कैसे होगा जब ड्राइविंग स्टार्ट तो इसलिए इसी सामान पैक करता हूँ सब कुछ करता हूँ तो गाइस यहाँ से मैं कर रहा हूँ चेकआउट क्योंकि शायद सामान पैक हो चुका है अभी बज रहे हैं यार अभी भी लोगों को 10:30 के आसपास हो रहा है तब यहाँ से करना चेकआउट यहाँ से चेकआउट करने के बाद तुम निकलते हैं और मैंने कुछ देख भी लिया है कि मतलब कोई सामान वामान छूट ना जाए तो ओवरऑल मैंने कुछ पैक कर ही लिया है अब और कुछ तो उतना बचा नहीं है बस अब यहाँ से चेकआउट करते हैं और आपसे मिलते हैं हम सीधे बाइक पर तो गाइस जाने के लिए एकदम तैयार सारा सामान लगेज मैंने सब कैरी कर लिया है देखो बस ये है टूटे ना यार बस ये निकले ना बस इनका भी टाइट जिसको टाइप किया है बट ठीक है यार सही है पूरी बाइक मैंने क्लीन कर दी है अब निकलते हैं चलिए दाएं शार करते हैं हर हर महादेव कुछ छूटा था नहीं अपनों को जाना है इस तरफ बड़ी से पहले अपनों को लेना है पेट्रोल चलते पहले पेट्रोल फुल करवाते टैंक पेट्रोल टैंक फुल एकदम बस गाड़ी का पेट भर गया अब बचा मेरे को अपना पेट भरना अपना पेट मैं कैसे भरूँ मेरा कुछ नहीं मालूम यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा यार क्या लोकेशन थी अगर आप अभी तक मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखे हैं दिल्ली टू ऋषिकेश का तो आप वहाँ जाके मेरे को मेरा ब्लॉग मेरे चैनल पर जाकर मेरा ब्लॉग अपने आप वो देखिए फिर इस ब्लॉग को देखिए तो आपको मज़ा आएगा अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आने वाला बिल्कुल भी नहीं
दिस इज अ रियल, इतना सुंदर लग रहा है यार। जैसे यहाँ से मैं जाऊँगा फिर श्रीनगर, श्रीनगर में 91 गौरीकुंड 200 है, बद्रीनाथ 185, ग्रीन कॉलोनी रसनी पता नहीं कौन सा है। तो भी चलते हैं श्रीनगर। तो गाइस आज मैं ना सोनप्रयाग पहुँच करूँगा, भले ही रात के 2 क्यों ना बज जाए, आज मेरे को सोनप्रयाग पहुँचना ही पहुँचना है यार। भोलेनाथ ने मेरे मौसम एकदम साफ कर दिया है, रोडें भी खाली हैं, तो आज मेरे को सोनप्रयाग तो पहुँचना है यार, चाहे जिस भी कंडीशन में। गाइस इन पत्थरों से बच कर रहिएगा, ये कब कहाँ से कैसे गिर, ये देख रहे हैं ये गिरा हुआ है, ये टूट टूट के ये गिरते हैं नीचे, तो इनसे संभल कर रहिए। वाह बंदा छोटू, इनसे बच कर रहिए। ओहो वेट इज, आई थिंक वो पुराना पुल था, ये नया बनाया। वाओ ओ माय गॉड, शिवपुरी बाईपास, यहाँ चलेंगे श्रीनगर। और गैस आप लोग बहुत सोच रहे हो श्रीनगर श्रीनगर क्यों कर रहा है, गैस श्रीनगर बोला श्रीनगर नहीं कश्मीर वाला वो नहीं, एक श्रीनगर इधर ही पड़ता है, 91 किलोमीटर दूर है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ देवप्रयाग, देवप्रयाग पहुँच गया, अपना मंजिल तो बहुत आगे है यार। अब कहीं अच्छा सा होटल देख के रुकता हूँ, कुछ खाता हूँ, पानी पीता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। गाइस देवप्रयाग में छोटी सी चाय की शॉप है, वहीं रुका हुआ हूँ, बोले पानी लिया हूँ, मैगी ऑर्डर किया, मैगी बन रही है यहाँ, मैगी का प्राइस 40 रुपये है, यही है बस। अब थकावट भी हो रही थी, नींद भी आ रही थी, तो अब कुछ खावा लेते हैं, अगर उनका वीकनेस तो ज़्यादा हो रही थी ना, वीकनेस तो कुछ खा लेते हैं, फिर निकलते हैं इधर। प्राइस मैगी आ गई, एक लिए माउंटेन ड्यू, पहाड़ों में मैगी, काश मानसून हो जाने तो और मज़ा आता भाई, और मज़ा आता। मानसून नहीं है ना, मतलब बारिश होती तो, बारिश हो नहीं रही है। ओह माय गॉड, तो गाइस हम लोग वहाँ से होते 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 वहाँ मैगी खाया, मैं वहाँ मैगी खाया, पूरा किनारे 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 कर होते हुए आ रहे हैं यार। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे, आगे कुछ होगा अच्छा दिखाएंगे आपको। अब भाई देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, ये देखो यहाँ तक आ रहा है, इतने पर रुका, क्या बताऊँ यार। केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है इधर, और खड़ी खाड़ी और गाजा इधर तो जाना है केदारनाथ बद्रीनाथ। गैस शायद यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, हाँ कट गिर गया, लैंड स्लाइड हुआ है यहाँ पे।
गाइस बगल में पहाड़, बीच में रोड, बगल में अपनी प्यारी मंदाकिनी नदी रिवर। तो इस वक्त मैं कम से कम नहीं तो 3-4 किलोमीटर से ना नदी के साथ साथ चल रहा हूँ, मंदाकिनी नदी के साथ, मंदाकिनी रिवर रही है, इसके साथ साथ चल रहा हूँ मैं। ओहो, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ठंडा पानी हो रहा बहुत ज़्यादा, एक्चुअली एकदम ऊपर जा रहा है। ओ बाप रे बाप, ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है गाइस, ठंडा पानी है। वाओ, ये भी मेरा पहली बार है गाइस, पहली बार की ना यार बात ही अलग होती है यार। ओह, इस पानी को हम लोग पी भी सकते हैं, जानते हैं आप लोग। मूड खराब हो गया, नुकसान तो हो गया बट नुकसान तो बहुत ही हुआ है यार, भाई ने साथ छोड़ दिया। वो होता नहीं, मतलब एक कोई पर्सन साथ में होता है तो बॉन्डिंग होती है, और मेनली क्या एक कॉन्फिडेंस रहता है बॉडी में अपने अंदर की, मतलब यार कोई दिक्कतें होंगी, कुछ भी होगा तो निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी यार। यही है, थोड़ा ख़राब लग रहा है, सोचे थे कि हिमन साथ इंजॉय करेंगे, कुछ करेंगे, मज़ा आएगा, भाई ने तो बीच में साथ छोड़ दिया, चला गया वो। मज़ा अब भी आ रहा है बट यार एक ग्रुप के साथ आने में और अकेले आने में या दोस्त साथ आने में फ़र्क है ना यार, कोई सीन मेरा भी है, साथ में होते अपना अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेते, अपना कुछ क्या क्या नहीं करते यार, कुछ पता ही नहीं कितना कुछ करते, बट अब अकेले हैं, अच्छा लग भी रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है। छोड़िए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गुप्त काशी, अरे ये तो बहुत सुंदर है यार, फाइनली यार इतना चलने के बाद, इतना चलने के बाद अब जाके पार्किंग में एंट्री हुई है, यहाँ लगाते हैं बाइक, तो सेफ तो रहता है ना, वो सेफ तो रहता है ना, यहाँ पार्किंग में नहीं। तो गाइस फाइनली मैं सोन पार्क पहुँच गया, सोन पार्क पहुँच के मैंने पार्किंग में अपनी, वहाँ देख रहे हैं आप जो सामने सामने तिरपाल रखा हुआ मैडो मेरा ही, तो मैंने वहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है। पर हाँ, यहाँ बाइक का चार्ज है 12 घंटे का ₹50 जो उन्होंने मेरे से चार्ज किया, तो बाइक तो हो गई है। अब बच्चे हेलमेट यहाँ लिख रखे हैं कि यहाँ हेलमेट भी रख सकते हैं, बट ये हेलमेट रख नहीं रहे हैं, तो अब लॉकर रूम देखता हूँ मैं, सामान रखता हूँ, फिर कोई अच्छी प्लेस ढूंढता हूँ जहाँ मैं कैंपिंग कर सकूँ। गाइस फाइनली जो भी मेरा सामान वामान था, लगेज वगैरह सब कुछ मैंने, मतलब एक था लॉकर, मैंने उसको बाय किया, उसमें मैंने पूरा सामान रख दिया। और लॉकर प्राइस देखना चाहें तो आप, ये लॉकर प्राइस है ₹200 for 36 घंटे। ये भाई की शॉप है, भाई आपका नाम? मेरा नाम सौरभ साही है। ये शॉप कहाँ पड़ेगी आपकी? सोनप्रयाग में, जब भी आप कहीं मार्केट में आओगे तो ऊपर की साइड हमारी डीसी मूवी केयर के नाम से शॉप है।
अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017297517। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लीजिए, सुन लिए। अब इसी पर जब भी आप आइए तो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल क्या मतलब, ना अच्छा है ना ख़राब है, मीडियम है। तो 200 रुपये का सामान अपना मेरा यार इसमें आ गया है, सारा लगेज सब कुछ आई थिंक दिख रहा नहीं दिख रहा भगवान जाने। मैंने एक, मेरे पास जानते ही हैं कि जो मेरा था पार्टनर चला गया घर वापस इलाहाबाद दिल्ली, तो मेरे को आपका बाय करना पड़ा है। तो मैंने ये बैग बाय किया है, नॉर्मल दिल्ली में लेता है मैं पड़ता है 1200, अरे 500-600 का, पर यहाँ मेरे को दिया बंदा 1200 रुपये का बैग पड़ा है, इसको ले लिया हूँ। अब यहाँ पे कैंपिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ कोई कैंपिंग अच्छा एरिया वरिया मिल जाए, तो देखते हैं कैंपिंग तो आज करेंगे, कुछ भी हो जाए कैंपिंग तो आज होगी यार। तो भाई का मतलब यहाँ पे हो गया है, तो लैपटॉप लग गया चार्जिंग में, वहाँ पे पावर बैंक लग गया चार्जिंग में। एक मैंने इसको बाय किया है जस्ट बिकॉज ऑफ की चीज़ें मेरा फ़ोन ख़राब ना हो, मैंने इसको बाय किया। ये बड़ा अप्रॉक्स मेरे को 50 रुपये का, ये हो गया। बस अब देखते हैं कैंप के लिए, 2-3 जगह भाई ने बताया कि मतलब कि कुछ आगे साइड में घर, पीछे साइड में घाट के पास है, देखते हैं मानसून चल रहा है तो घाट के पास तो करना कोशिश करें ना करें वहाँ पे, तो क्या पता किस टाइम क्या हो जाए, तो देखते हैं किस टाइम कैसे अरेंज करते हैं। पर हाँ यार बैग काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, लेकिन चढ़ने में दिक्कत होने वाली है, इसको मैनेज तो करना पड़ेगा, बंदा तो साथ छोड़ दिया बीच में, देखते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं फिर कैंप लगाते वक्त। कैंपिंग करने के लिए जगह मिल गई, खाना मैंने खा लिया, और अब लाइट देख रहे हैं, लाइट मेरे को जो लास्ट टाइम जो देखे थे आप स्टोर मोबाइल का, जहाँ मैंने लिया लॉकर ऑफर, उस बंदे ने मेरे को दिया है। अब कैंपिंग के लिए ये एरिया है। चलिए अब आप कैंप का टाइम लैप्स देखिए, मैं कैंप लगाता हूँ। गाइस कैंप लग चुका है, अब ये ओपन करते हैं मैट बिछाते हैं और आपको मिलते हैं कैंप के अंदर। तो गाइस फाइनली टेंट लग गया मेरा, मज़ा आ रहा है एकदम, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लाइफ का मज़ा आ रहा है मेरे को। मैं कितना मतलब खुश हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ अंदर से, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं सेट हो गया और ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग, ट्रैवलिंग बैग, ये रहा मैट बिछा दिया मैंने, ये सब अपना सामान पड़ा हुआ है, फ़ोन पड़ा है सामने, लैपटॉप कंप्लीट। तो कम्प्लीटली सब कुछ हो चुका है, खाना भी खा लिए, सब कुछ हो गया। ये था आज का सीन, तो आज का ब्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।